बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बहुत लजीज रेसिपी बता रहे हैं दाल चावल की। यकीन जानिए बहुत मज़े की रेसिपी है, जब आप ट्राई करेंगे ना आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल है हाफ प्याली से थोड़ी कम, और मूंग की दाल भी हाफ प्याली से थोड़ी कम, और मसूर की अरहर की दाल मूंग और चने से थोड़ी कम ली जाती है, ठीक है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल रहे हैं, छोटे बाउल में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए हमने कितनी दाल ली है। तो देखिए एक प्याली के करीब दाल है, तो तकरीबन ये एक पाव दाल होगी 250 ग्राम। तो इसे हम वॉश कर चुके हैं। वॉश करने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि ये भीग जाए। एक घंटे या आधे घंटे के लिए आप भिगो दीजिए, इससे बहुत मज़े की दाल बनती है, बहुत सॉफ्ट। तो आधे घंटे बाद मैं अब तैयारी कर रही हूँ दाल पकाने की। तो एक बड़े साइज़ की प्याज कटिंग करेंगे, छोटे साइज़ का एक टमाटर है, एक हरी मिर्ची है, लहसुन और अदरक है एक एक टेबलस्पून। तो हम ये ऐड कर देंगे जो हमने कटिंग करके रखे हैं। ये लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे और फुल फ्लेम करेंगे, इसमें बॉयल आ जाए। कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे, सूरत मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया 1.5 टेबलस्पून। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आना चाहिए। तो इसमें बॉयल आएगा जब तक हम ये दाल धो लेते हैं। धुली हुई दाल है तो इसका पानी निकालेंगे हम। और ये पानी निकाल चुके हैं, उसमें भी बॉयल आ चुका है, ठीक है, बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे। और मिक्स करेंगे दाल डालने के बाद, और उसमें बॉयल आ चुका है तो हम लो फ्लेम कर देंगे। तो हम लो फ्लेम करेंगे ना, लो फ्लेम करने के बाद हमें 1 घंटे के लिए पकाना है। तो 1.5 घंटे में भी पक जाती है, लेकिन हमने 1 घंटे पकाई, बहुत ज़्यादा लोच वाली बनेगी, ठीक है। तो देखिए ये बहुत अच्छी गल के तैयार हुई है, और अब इसका पानी हमें ट्राई करना है। देखिए हमने दाल का पानी इतना लिया था, ये अच्छे से पक गई। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, आप ज़्यादा पानी ले लोगे तो ड्राई करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह हम चने की दाल चेक करेंगे, वो ज़्यादा हार्ड होती है। तो बहुत अच्छे से गल के तैयार है, तो हम कवर लगा के इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। काफ़ी छींटे निकलते हैं, किचन भी ख़राब होता है, चूल्हा भी, और हमें भी लग सकते हैं। अब हल्की आंच करके हम दाल हिलाएंगे। तेज़ आंच में दाल हिलाते तो काफ़ी छींटे हमें लग सकते थे, तो इस वक्त हमने लो फ्लेम कर दी और दाल हिला रहे हैं, थोड़ी घोटेंगे भी। तो इस तरह हम पानी ड्राई करते जाएंगे, दाल भी घोटते जाएंगे। अब दोबारा से फुल फ्लेम करेंगे और कवर लगा देंगे, दाल हमारी ड्राई हो जाए। तो बहुत एहतियात से होता है ये काम, छींटे काफ़ी निकलते हैं, दाल लगनी भी नहीं चाहिए पैंधे में। तो देखिए दाल काफ़ी ड्राई हो चुकी है, तो तकरीबन सारी ड्राई हो गई दाल। हमें दाल को ड्राई करना है, ठीक है, भुननी है दाल। ये भुन चुकी है और अब हम इसको घोटा लगा रहे हैं। इस समय चमचे से लगा रही हूँ, तो आप चाहे तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, तो मैं हैंड बीटर से ही करती हूँ। तो इस तरह मैं इसे फेरती हूँ, बहुत अच्छी सी हो जाती है, स्मूथ सी हो जाती है, बहुत लोच वाली हो जाती है इस तरह करने से। तो बहुत एहतियात के साथ करेंगे, दाल बहुत गर्म है तो चूल्हा अभी भी खुला हुआ है। तो मैं एहतियात के साथ दाल फेंट रही हूँ, बहुत अच्छे से ये स्मूथी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी दाल घुट के तैयार हुई है। अब आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत पानी ऐड किया है, मैं ज़्यादा पतली नहीं करूँगी। तो इसमें आप पुदीना ऐड कर देंगे चॉप करके बारीक। तो ये दाल तैयार है, अब हमें भंगार की तैयारी करनी है। तो एक पैन में मैं ऑयल लूँगी, आपको कम ज़्यादा ऑयल पसंद है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून में डालूँगी ज़ीरा, ज़ीरे में कलर आ चुका है। प्याज और लहसुन है ये बारीक चॉप करके डाल देंगे। लहसुन और प्याज की जो मोटाई है एक है, उसके हिसाब से मैंने ये एक साथ डाल दिए। तो बस इसमें कलर आ जाएगा, आप चाहते उसका हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये कलर आ गया, मैं भंगार लगा रही हूँ। बहुत लजीज दाल बन के तैयार हुई है, और आप भी देख चुके हैं कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, जितनी अच्छी नज़र आ रही है। वाकई ही बहुत लजीज होती है ये खाने में, जब आप ट्राई करेंगे ना आप कहेंगे तो वाकई बहुत मज़ेदार दाल बन के तैयार हुई है। तो ठीक है, दाल हमारी बन के तैयार है, अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। चावल भंगारेंगे, एक हमने बड़ा पॉट लिया है और इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैं डाल रही हूँ उसमें आधा पाव ऑयल, 75 ग्राम ऑयल डाला है मैंने।
पहले तो मैं एक पाव डालती थी, मैंने अब आधा पाव ऑयल डाला है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ खड़े मसाले, थोड़ा सा ये खड़ा मसाला, गरम मसाला है, ये डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे, बस चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसमें थोड़ा सा थोड़ा हमें भूनना है बस। और फिर लहसुन अदरक एक एक टेबल स्पून ऐड कर देंगे, और लहसुन अदरक को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस लाइट कलर रखना है, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो देखिए इसमें ये लाइट ब्राउन कलर हो चुका है, तो 1 किलो चावल है हमारे पास, तो मैं 2 लीटर पानी ऐड कर दूंगी इसमें। तो ये 2 लीटर पानी डाल दिया मैंने इसमें, और आप अपने चावल के हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और कवर कर देंगे, इसमें बॉयल आ जाए। तो देखिए ये हमारे पास चावल है, तो ये हम धोएंगे और भिगोएंगे नहीं, ठीक है। तो इसे बस हम धो लेंगे चावल, ये भीगने वाला चावल नहीं है। आप भिगोना चाहते हैं 10-15 मिनट, आप भिगोते तो आप भिगोइएगा, लेकिन ये मेरे पास ऐसा चावल है, मैं हाथ के हाथ फ़ौरन धो के वॉश करके फिर मैं ये यखनी में डाल दूँगी। तो अच्छे से 3 पानी हम धोएंगे, हल्के हाथ से धो लेंगे, और 3 पानी धोने के बाद मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी। तो इसका पानी हम निकाल चुके हैं, इसमें बॉयल आ चुका है, हम नमक चेक करेंगे, हल्का सा उठा हुआ नमक होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, एक हमें तेज़ हल्का सा लगना चाहिए। जब हमारे परफेक्ट ये चावल बनके तैयार होंगे तो नमक बिल्कुल सेट है, और ये चावल जो मैंने निकाल के रखे थे छान के, वो इसमें डाल दूँगी सारे, और अच्छे से हिलाएँगे, मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। ये इसका पानी हम ड्राई करेंगे और बीच में भी चेक करेंगे हम। तो मैंने सारा पानी ड्राई करके फिर आपको दिखाया है, लेकिन मैंने बीच में चेक किया था। तो देखिए इस तरह हमने ये कवर लगा के पानी ड्राई कर लिया, अब मैं कवर हटा रही हूँ, और ये बहुत अच्छे से चावल हमारा तैयार है, मकसद दम लगने के लिए, ठीक है। इतना पानी रखा है मैंने, अब हम कवर लगा देंगे लो फ्लेम करने के बाद, और इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा रखेंगे। 15 मिनट के लिए मैंने दम लगाया है, तो 15 मिनट हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कवर हटाकर। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त दम हुए हैं ये चावल, तो हम इसे ऊपर नीचे करेंगे। तो बहुत एहतियात से किए जाते हैं और बहुत अच्छे ही गल के तैयार हुए, हमने चेक किया है। तो ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो चावल निकाल चुकी थी मैं, और ये दाल डाल रही हूँ, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल लग रही है। चावल भी जितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, उससे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।